हे वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू सेट अप फिंगरप्रिंट लॉक, यानी कि इस फोन में फिंगरप्रिंट लॉक सेट कैसे करें। फिंगरप्रिंट ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ सर्च बार पे फाइंड करें फिंगरप्रिंट। आप इस इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करके सीधा फिंगरप्रिंट सेटिंग्स में जा सकते हैं, या तो फोन सेटिंग्स ओपन करने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर जाइए, नेक्स्ट सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, फिर से स्क्रॉल करके नीचे आइए। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बायोमेट्रिक, यहाँ से फेस लॉक और फिंगरप्रिंट डेटा ऐड कर सकते हैं। आप फिंगरप्रिंट्स पे टैप करके कंटिन्यू करें। सेट सिक्योर स्क्रीन लॉक फास्ट, अगर पहले से कोई स्क्रीन लॉक सेट नहीं किया हुआ है तो फिंगरप्रिंट ऐड करने से पहले सिक्योर स्क्रीन लॉक सेट करना होगा। इसमें पिन, पासवर्ड और पैटर्न लॉक सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन पर टैप करके अपना लॉक टाइप चूज करें। मैं पिन लॉक को चुन लिया। 6 डिजिट पिन डालने के बाद यहाँ टिक लगा के कंटिन्यू करें। नेक्स्ट सेम पिन डाल के कन्फर्म कर दीजिए। दोस्तों इस डिवाइस में डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया गया है, जिस अंगुलियों को आप ऐड करना चाहते हैं उसे साफ कर लीजिए। इसके बाद रजिस्टर बटन पर टैप करके अपना अंगुली को सर्कल के अंदर रखें। जब सर्कल पूरी तरह से हाईलाइट हो जाए तो उसे उठाएं, फिर वापस रख दें। आपको अपना फिंगर को अलग अलग एंगल में रखना होगा ताकि स्कैनर सही तरीके से आपका फिंगर रीड कर सके। ये प्रक्रिया 100% पूरा होने तक जारी रहेगी। फिंगरप्रिंट एडिट, हमारा फिंगर रजिस्टर हो चुका है, आप डन करें। दोस्तों यहाँ ऐड फिंगरप्रिंट में जाके दूसरे कई अंगली रजिस्टर कर सकते हैं। मैक्सिमम 3 फिंगरप्रिंट रजिस्टर कर पाएंगे। इनमें से अगर कोई फिंगर को डिलीट करना हो तो उस पर टैप एंड होल्ड करके सिलेक्ट करें, फिर रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा फिंगरप्रिंट सेटिंग्स के अंदर कोई और सेटिंग्स के साथ छेड़छाड़ ना करें। तो दोस्तों इस तरीके से अपना फिंगरप्रिंट ऐड करके स्क्रीन लॉक अनलॉक के लिए उपयोग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।